अब से मेन प्रॉब्लम स्नाइपर नहीं मिलती है, और अगर गलती से स्नाइपर मिल भी गई तो भाई बंदे मार कर चले जाते हैं, कहीं पर कैंप करके बैठे रहते हैं, कहीं से भी मार के निकल जाते हैं और अपना डेडाई का टाइटल कंप्लीट नहीं होने देते हैं। निशाना लगाने की कोशिश करते हैं, मारने की कोशिश करते हैं, हेडशॉट लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाई बंदे मार के चले जाते हैं। फिर से एक बार ट्राई करते हैं, लेकिन फिर से भाई बंदे मार कर निकल जाते हैं और अपना डेडाई टाइटल कंप्लीट नहीं होने देते। बोट को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाई बोट नहीं मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा और एक मैच में आप लोग ले लोगे डेडाई का टाइटल कंप्लीट, जिसमें सिर्फ आप लोगों को देखने को मिलेंगे सिर्फ भाई बोट, सिर्फ बोट देखने को मिलेंगे, 100% गारंटी ले रहा हूँ, सिर्फ बोट देखने को मिलेंगे आप लोगों को। और उसके साथ ही साथ आप लोगों को भाई स्नाइपर की लोकेशन भी बताऊंगा, जिससे कि भाई आपको एक ही मैच में स्नाइपर भी मिल जाएगी और आप बोट को आसानी से मार के डेडाई का टाइटल कंप्लीट कर सकते हो। तो वीडियो को यार पूरा देखना, वीडियो पूरा देखोगे तभी आप लोगों को सब कुछ समझ में आने वाला है। तो वीडियो को यार शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दो चीजें बताऊंगा, पहली कि मैच में स्नाइपर कहाँ पे मिलेगी और दूसरी मैच में बोट कैसे आएंगे। अब आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि डेडाई का टाइटल सोलो में होता है और आपकी टायर होनी चाहिए प्लेटिनम, प्लेटिनम से ऊपर भी चलेगी लेकिन प्लेटिनम से नीचे नहीं होनी चाहिए। और इस टाइटल को लेने के लिए आपको 3 हेडशॉट मारने पड़ते हैं, वो भी स्नाइपर से, वो भी बैक टू बैक बिना मिस किए हुए। तो 3 हेडशॉट मारने के बाद आप मैच को पूरा खेल भी सकते हो या बीच में आप मर के आ भी सकते हो, आपका डेडाई का टाइटल कम्प्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको सैनोक मैप लगा लेना है। सैनोक मैप के अंदर मैंने मार्क कर रखा है रूइंस, रूइंस वाली जगह आपको उतर जाना है। जैसे कि मैं यहाँ पे देखो मार्क कर रखा है मैंने मैप के अंदर, देख सकते हो रूइंस वाली जगह पे। तो फाइनली देखो हम यहाँ पे रूइंस पे उतर रहे हैं, और आपको उतरने के बाद यहाँ पे सब जगह ढूंढनी है स्नाइपर। आपको 100% स्नाइपर मिलेगी, कुछ भाई 95% मिलेगी, 5% चांस होते हैं कोई मैच में नहीं मिले। तो यार कमेंट में मत बोल जाना कि यार नहीं मिली है, कम से कम एक दो मैच तो खेलना, मिलेगी 100% मिलेगी गारंटी है, लेकिन भाई सही से ढूंढना है। जैसे कि मैं यहाँ पे ढूंढूंगा वैसे ही आप लोगों को भी ढूंढना है। ऐसे उतरते ही आपको पैरों में मिल भी सकती है नहीं भी मिले, लेकिन भाई इस जगह पे आपको स्नाइपर मिल जाएगी 100% गारंटी है। फिलहाल मेरे को यहाँ पे एक बंदा स्पॉट होता है और भाई इस बंदे को मारते हैं, क्योंकि भाई बंदे को पहले मारना जरूरी है। ये मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार बोट भी हो सकता है, बोट होगा तो अपन को बोट को नहीं मारना है, क्योंकि अपन को स्नाइपर मिल जाएगी तो अपन स्नाइपर से बोट को मार सकते है। यहाँ पे मेरे को सामने की तरफ देखो बंदा स्पॉट हो जाता है, मेरे को एक तरफ लगा था कि यार बोट है, लेकिन फिर बाद में लगा यार बंदा ये क्या कर रहा है भाई। देखो हाथों से मारने की ट्राई कर रहा है कि हाथों से मार दूं। देखो इसको भाई पूरा फिनिश कर देते हैं, वो भाई बाहर से अपने एक आ जाता है अपने सामने की तरफ। देखो यहाँ पे सामने की तरफ अपने एक बोट भी आ जाता है, और इस बोट को अपन नहीं मारते क्योंकि अपन को स्नाइपर की तलाश थी। और अब देखना मेरे को यहाँ पे स्नाइपर भी मिल जाएगी, 100% मिलेगी, मेरी गारंटी है मिलेगी। एक मैच ना भी मिले यार, गलती से कोई मैच तो हो भी जाता है, लेकिन 100% आपको मिलेगी। यहाँ पे 4x का स्कोप भी मिल गया, मेरे को 4x भी मिल चुका है यहाँ पे। यहाँ पे आपको 6x 4x ये देखने को भी मिलेंगे साथ ही साथ में। और आपको देखो सामने की तरफ मेरे को स्नाइपर भी मिल चुकी है। अब देखो मैंने उस बोट को नहीं मारा था और यहाँ पे 4x मैंने यहाँ पे लगा लिया है। अब मैं थोड़ा यहाँ पे दूर जाने की तलाश करता हूँ कि वहाँ से भाई 50 मीटर दूर से मारना है अपन को हेडशॉट। 50 मीटर दूर से आप हेडशॉट नहीं मारोगे तो आपके हेडशॉट काउंट नहीं होगा। तो आपको 50 मीटर यहाँ पे मार्क लोकेशन से देख लेनी है, बोर्ड से आपको दूर चला जाना है और भाई 50 मीटर माप लेना है, मार्क द लोकेशन कर देना है वहाँ पे जहाँ पे हो। अब मैं यहाँ पे दूर चला जाता हूँ क्योंकि बोट भी भाई पास में आ जाता है, तो थोड़ा दूर और जाना पड़ता है ताकि बोट को अपन आसानी से, बिल्कुल आसानी तरीके से निपटा सके और भाई बोट को अपन हेडशॉट लगा सके। यहाँ पे देखो मैं मार्क किया मैंने, तो यहाँ पे देखो भाई 50 से ज़्यादा ही है, तो यहाँ पे मैं हेडशॉट लगाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे 50 मीटर से मैं दूर चला जाता हूँ, और बोट जब बैठे भाई, जब हिले डुले नहीं तभी भाई मारना है, नहीं तो आपका हेडशॉट मिस भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि बोट एक जगह बैठे और भाई अपन उसको मार दे। तो फर्स्ट हेडशॉट अपना यहाँ पे देखो कम्प्लीट हो चुका है। अब इसके बाद आपको कोई भी गन नहीं चलानी है, किसी भी बंदे को नहीं मार सकते हो, आपको ओनली हेडशॉट ही लगाना है, वो भी भाई बोट को। आपको बोट मिले तो उसको हेडशॉट ही लगाना पड़ेगा, बंदा मिले तो भाई पतली गली से निकल जाना। लेकिन मैं ट्रिक बता रहा हूँ ना, आपको बोट मिलेंगे, उसके बाद मैं बोट की ढूंढने की पूरी कोशिश करता हूँ। और भाई देखो सामने की तरफ एक और बोट दिख जाता है मेरे को, और इस बोट को भी अपन 50 मीटर दूर से ही मारेंगे।
अब मैं इस बोर्ड से थोड़ा दूर आ जाता हूँ और इसको भाई मार्क द लोकेशन से देखता हूँ कि ये 50 मीटर दूर भी है कि नहीं है, और इसके हेडशॉट लगा देता हूँ। तो अपने दो हेडशॉट लग चुके हैं, वो भी भाई बैक टू बैक। इसके बाद देखो मेरे साथ क्या सीन होने वाला है। अब देखो मैं सामने की तरफ एक बोर्ड को देखता रहता हूँ कि उसको मारने की ट्राई करता हूँ, तभी देखो भाई पीछे से मेरे को भाई ओम का शॉट लगा देता है। ये तो मेरे पास लेवल 3 का भाई हेलमेट था इसलिए मैं बच गया, लेकिन एक बंदा मेरे पीछे पड़ जाता है, वो भी हाथ धो के। अब इस बंदे को अपन मार तो नहीं सकते बीच में, क्योंकि अपन को बैक टू बैक हेडशॉट लगाना है, और अगर इसको गन से मार दिया तो अपना हेडशॉट वाला टाइटल कंप्लीट नहीं होगा, मतलब कि अपना डेडा या सरप शूटर टाइटल बोल दो, ये कंप्लीट बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं बचने की कोशिश करता हूँ, देखना बंदा ऊपर की तरफ बैठा हुआ है। अब मेरे को दिखेगा बंदा साइड की तरफ, मैं और भी भाई पीछे आ जाता हूँ और भाई यहाँ पे हेल्थ लगा लेता हूँ। उसके बाद देखना बंदे से बचने की पूरी कोशिश करता हूँ। ऐसे ही अगर आपके पास भी कोई बंदा आ जाए तो आपको भी भाई बचने की कोशिश करना है। अब देखना भाई पास में से एक बोट गुजरेगा मेरे, एक बोट देख लेना पास में से गुजर जाएगा बिल्कुल, और देखना मैं अंदर गया, ये देखो बाहर से गुजर रहा है, एक बोट गुजर रहा है। अब इस बोट को वो बंदा मार देगा। अब मेरे को देखना बंदा भी दिखेगा ऊपर की तरफ कि बंदा अभी तक अपना वेट कर रहा है। अब मैं देखता हूँ इससे कैसे बचे, तो भाई मैं यहाँ पे छिपते छिपते आ जाता हूँ। ऐसे ही आपको भी भाई कोई बंदा मिल जाए बीच में, दो हेडशॉट लगाने के बाद गलती से बोट तो मिलेंगे, बंदे भी मिलेंगे, लेकिन भाई बोट भी ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं देखो यहाँ पे छिप जाता हूँ आके, और यहाँ पे देखता हूँ उस बंदे को कि अपना वेट कर रहा होगा, और वो फाइनली यहाँ पे देखो मेरा वेट भी कर रहा है। और यहाँ पे देखो मैं मारने की कोशिश कर रहा हूँ उस बंदे को कि 50 मीटर दूर नहीं है, नहीं तो भाई यहाँ पे एक जगह पे बैठा है। यहाँ पे मैं पीछे जाता हूँ कि 50 मीटर दूर हो जाए, इसको मार दूँ, और ये मेरे को वहाँ पे देख रहा है नूबों की तरह, वहाँ पे देख रहा है कि बंदा इधर ही निकलेगा। और यहाँ पे एक जगह पे नहीं रुक रहा था इसलिए मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था कि ये भाई बंदा के थोड़ा सा भी हेडशॉट मिस हो और अपना डेड आई टाइटल कंप्लीट ना हो। अब ये देखो बंदा मेरे को पूरा ढूंढ रहा है, भेड़ बकरियों की तरह ढूंढ रहा है, ढूंढता ढूंढता भाई इधर भी नहीं आएगा और भाई उस साइड चला जाएगा। अब ये बंदा मेरे को बहुत बुरी तरह से ढूंढ रहा था, भेड़ बकरियों की तरह मेरे पीछे पड़ चुका था, और भाई इसको मैं गलती से भाई स्पॉट भी हो जाता हूँ, और भाई यहाँ पे मेरे थोड़े से लग जाते हैं कि भाई मैं इनको स्पॉट क्यों हो गया कि ये अपन को मार देगा, क्योंकि वो बंदा जोन में था और वो भाई अपन को आसानी से मार सकता था। अब मैं देखता हूँ इसको हेडशॉट लगाना ही पड़ेगा, मैं यहाँ से पीक लेता हूँ, उसके पास भी स्नाइपर थी, और यहाँ पे देखो मैंने एक और हेडशॉट लगा दिया और अपने 3 हेडशॉट कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि अभी भी बोर्ड दिखेंगे आपको, मैच में अभी भी आपको बोर्ड दिखाता हूँ, चलते हैं आगे की तरफ। अब जैसे मैं नदी पार करके आता हूँ, अब देखना सामने की तरफ एक और बोट आ रहा है, लोबी में देखो अलाइव 11 बंदे और भाई एक और बोट मिल चुका है, और इसको भी अपन हेडशॉट लगा देते हैं। वैसे आपके 3 हेडशॉट कंप्लीट हो जाए तो आप मर भी सकते हो और मैच को विन भी कर सकते हो। मेरी इच्छा हो गई थी यहाँ पे एक बोट को और मार के चलते है। अब मैं फिर वहां से आगे आ चुका था, और देखना सामने की तरफ एक और बोट मिल जाता है। भाई इतने बोट मिले तो भाई अपन को तो 3 हेडशॉट लगाने, ओनली 3 बंदे मारने, तो भाई आप क्यों नहीं मारते हो यार, बोट मिलेंगे तो मारो यार, बिल्कुल मजे से मारो। अपन इस बोट से मरेंगे, अब इसको जानबूझ के इस बोट से मरेंगे, लेकिन इस बोट की आवाज़ सुन के एक रियल बंदा आ जाएगा और वो बोट को और मेरे को दोनों को मार जाएगा। मैं यहाँ पे मरने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और यहाँ पे देखो सामने की तरफ रियल बंदा आके मार गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना देखते हैं टाइटल कंप्लीट हुआ नहीं हुआ। अपन को 3 हेडशॉट लगाने और अपना टाइटल कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि बोट कैसे आएंगे, बोट वाली ट्रिक भी देख के जाना, बिना बोट भाई आप डेड आई का टाइटल मुश्किल ले पाओगे। और आपको उनको सामने की तरफ देखो, सामने की तरफ आपको पूरी लाइव प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ, मेरे को यहाँ पे मिल चुका है डेड आई का टाइटल बोल दो या शार्प शूटर का टाइटल बोल दो। यहाँ पे देखो सामने की तरफ शार्प शूटर का टाइटल मिल चुका है, अब अपन इसको कलेक्ट कर लेते हैं। तो फाइनली आपके सामने लाइव प्रूफ के सामने इसको कलेक्ट कर लेता हूँ, देख लो भाई मैं पूरा लाइव प्रूफ के साथ इसको कलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे अपन को मिल चुका है शार्प शूटर का टाइटल। अब बता देता हूँ आपको दूसरी ट्रिक, वो है बोट वाली ट्रिक, बोट कैसे आएंगे मैच के अंदर, और इसको अपन यूज भी कर लेते हैं। बोट कैसे आएंगे वो बता देता हूँ कि इंडिया में अपने क्या है अभी BGMI, मतलब कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, ये गेम है अपने इंडिया के लिए, और इंडिया में लाखों लोग जितने भी जो भी लाखों लोग पबजी या BGMI खेलते हैं वो लगभग मैक्सिमम 2 से 3 बजे तक खेलते हैं, लास्ट 3 बजे तक। 3 बजे बाद कोई अपने BGMI नहीं खेलता है इंडिया के अंदर,
बहुत कम बंदे मिलते हैं बीजीएमआई खेलने वाले, और बीजीएमआई अगर कोई खेलता भी है गलती से तो भाई वो या तो लिविक लगा रखता है या इरेंगल मैप खेलता है, सैनोक मैप कोई भी नहीं खेलता है। तो मैं यहाँ पे उठा था 3 बजे, रात को 3 बजे उठा था, लेकिन प्रॉब्लम क्या आई रात को 3 बजे उठने के बाद, प्रॉब्लम ये आई कि मैच मैचिंग की प्रॉब्लम आई थी, मैच मैचिंग नहीं हो पा रहा था सोलो के अंदर, वो भी सैनोक मैप में। इरेंगल में तो थोड़ा बहुत चल रहा था लेकिन सैनोक में नहीं हो पा रहा था। तो मैंने सुबह 5 बजे ट्राई किया, 5 बजे भी भाई मैच मैचिंग नहीं हो रहा था। तो भाई मेरे 5:30-6 बजे लगभग, 5:30-6 बजे के लगभग मेरे यहाँ पे मैच मैचिंग हुआ, और उस टाइम आपको देखता हूँ, लॉबी दिखा देता हूँ। उस टाइम की लॉबी देखो, मैं रात से ट्राई कर रहा था और सुबह की सबसे पहली लॉबी देख लो, यहाँ पे आपको बंदे दिखाई दे रहे होंगे। कितने बंदे दिखाई दे रहे हैं? 30 से 40 बंदे दिखाई दे रहे होंगे। लास्ट से प्लेन में कितने बंदे आते हैं? 100 बंदे आते हैं पूरे मैप में, तो लेकिन यहाँ पे 30 से 40। अब यहाँ पे देखो 30 सेकंड होते ही बोट टपकेंगे, बोट अब आपको दिखा देता हूँ। 30 सेकंड हो चुकी है, अब देखना सामने की तरफ, आपको बोटों से मिलाने ले जाता हूँ। कम से कम आपको 30 से 40 बोट देखने को मिलेंगे पूरे मैप के अंदर, वो बहुत बड़ी बात है। पूरे मैप के अंदर आपको 30 से 40 बोट ऐसे ही नहीं देखने को मिलते हैं। अपन को कितने बोट चाहिए? अपन को 3 बोट चाहिए। यहाँ पे देखो 30 से 40 बोट देखने को मिलेंगे। ये देखो बोट बोट घूम रहे हैं यहाँ पे सामने की तरफ आपको इतने बोट। और ये वो वाला ही मैच है जिसमें अभी मैंने आपको डेड आई और सर्फ शूटर का टाइटल लेके बताया भी है। तो आपको भाई सुबह के समय खेलना है, 4, 3, 4, 5, 6 बजे आपकी मैचिंग हो जाए तब खेलना है, और मैंने लोकेशन बता दी वहाँ पे ही उतरना है। ये वो वाला ही मैच है, झूठ नहीं बोलता मैं कभी भी। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अगर जरा सी भी पसंद आई तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठोक दो यार, दबा दो, सब कुछ कर दो। मिलते हैं कौन न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।